अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिक्लेन जेबल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। आई होप के पहले 14-15 लेक्चर्स हो चुके हैं, वो भी आपने देख लिए होंगे एंड दे वर हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा ये आज के लेक्चर में हम पंक्चुएशन के बारे में बात करेंगे और ये पंक्चुएशन किसके लिए का बेसिकली पहला लेक्चर है। इससे अगले लेक्चर में भी कुछ चीज़ें हैं क्योंकि ये सारा बहुत लंबा लेक्चर हो रहा था, सो आई थॉट के इसको दो लेक्चर्स में डिवाइड कर दीजिए। और इसके अलावा आपको बताना था कि कल यानी कि 28 जनवरी को 7 बजे संडे को एक फ्री वेबिनार हो रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एडी एएसएफ इंस्पेक्टर एएसएफ एंड अदर एग्जाम्स, तो उसके लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे सोशल लिंक्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको उसी जूम लिंक के बारे में पता चल जाएगा जो कि हम कल शेयर करेंगे। एंड देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वी डिस्कस इन आवर ग्रुप, सो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो उनको भी ज्वाइन कर लें। एंड अदर सेशन आर ऑल्सो रनिंग थ्रू आवर ग्रुप, उनकी एडवर्टीजमेंट उसके लिए ही होती है, सो आई होप दैट यू आर सीइंग दोस एज वेल। बाकी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट लर्निंग अबाउट इंग्लिश पंक्चुएशन। जी, तो आज की कंटेंट लिस्ट में हमारे पास बेसिकली पंक्चुएशन क्या है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये मेरा तारुफ है जी, जो लोग नए हैं वो भी इसको देख सकते हैं। एंड पंक्चुएशन के ऊपर आते हैं। पंक्चुएशन इज अ वर्ड, पंक्चुएशन इज अ वे टू ऐड पॉजेस एंड स्ट्रक्चर टू सेंटेंसेस। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर आप पता है कि कहीं ना कहीं वक्फे वगैरह आते रहते हैं, तो उनको ऐड करने के लिए हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मीनिंग एंड टोन। कोई भी जो जुमले का मीनिंग है और जो उसकी टोन है वो हमें सिर्फ उसके पंक्चुएशन से ही पता चलती है। अदरवाइज वो सिंपल एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, उससे आप टोन ऊपर नीचे या पॉजेस या स्टॉप्स वगैरह जो है वो आपको नहीं पता चलते। यही वजह है कि हम पंक्चुएशन का यूज करते हैं। They enable the reader to understand the meaning properly, not enables but enable. Punctuation marks are the symbols which divide a long sentence or a passage into small parts. For example, period signals the end of a sentence. यहाँ periods लिखा हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ा change कर दिया। Period signals the end of a sentence. Similarly, commas separate words or phrases in a list. ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं कैपिटल लेटर्स जो हैं वो कब यूज होते हैं या क्या चीज है वो। तो द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस इज कैपिटल, जाहिर है फुल स्टॉप के बाद जब भी आप नया सेंटेंस यूज करते हैं शुरू करते हैं तो उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल ही होता है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो या फिर सिंपल कंजंक्शन वगैरह कुछ भी हो, वो पहला लेटर जो है वो आपका नए जुमले का कैपिटल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, गो टू लाहौर, माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे पहला वर्ड जो है उसका पहला लेटर आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर। सिमिलरली द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच न्यू लाइन इन द पोएम इज कैपिटल। तो अगर आप नज्म लिखते हैं तो पोएम के अंदर भी ये रूल होता है कि आपने एक लाइन जब लिख ली है तो नेक्स्ट लाइन जब आप आएंगे सब्सिक्वेंट लाइन में उधर भी आपको फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन पैरट सिंग सिंग ऑफ द डेज बियॉन्ड द केज। तो फर्स्ट लेटर आप देख सकते हैं हर एक लाइन का कैपिटल है। तीसरा रूल है इसके बारे में, द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स इज रिटन कैपिटल। तो जो नेम्स ऑफ डेज और मंथ्स होते हैं यानी कि दिनों और महीनों के नाम, उनके भी फर्स्ट जो लेटर हैं वो हम कैपिटलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संडे, मे, जनवरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट लेटर ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज रिटन इन कैपिटल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में अक्सर आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी कंफ्यूजन हो जाती है कि जब आप प्रेसिंग वगैरह पेपर कर रहे होते हैं तो यार डायरेक्ट स्पीच जो है उसकी जो इनवर्टेड कॉमास के अंदर स्पीच है उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा या स्मॉल आएगा, इवन इफ इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, फिर भी आपने उसको कैपिटल ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी प्लीज हेल्प मी। ठीक है, यहाँ पे प्लीज का पी कैपिटल है, ऑल्दो दिस इज पार्ट ऑफ द सेम सेंटेंस। द एब्रिविएटेड लेटर्स ऑफ अ नेम और ईच पार्ट ऑफ प्रॉपर नाउन इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। तो या तो एब्रिविएटेड लेटर्स किसी एक नाम के या फिर ईच पार्ट ऑफ ए प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शरीश, एम ए इंग्लिश, एम ए जो है आप दोनों कैपिटलाइज कर दिए। इसी तरह बी एड का बी और ई कैपिटल है। All the names of Allah Almighty always begin with capital letters. So Allah के जितने भी नाम हैं वो सारे सारे हम capital letters से start करते हैं। For example, Almighty, Merciful, God वगैरह वगैरह।
नेक्स्ट वी हैव फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पंक्चुएशन है, इसके बारे में देखते हैं कि इसके रूल्स क्या क्या है। फुल स्टॉप्स आल्सो नोन एज पीरियड्स आर कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग टू इंडिकेट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। तो किसी भी जुमले का जब आपने एंड जाहिर करना होता है उस वक्त आप वहाँ पे फुल स्टॉप या फिर पीरियड को यूज करते हैं। They help us separate thoughts and provide clarity in written communications. Thoughts या sentences को separate करने के लिए आप period use करते हैं। You can use them to punctuate statements, questions or imperatives. For example, I love pizza. Similarly, he walked in the garden. इसके भी end में आपको full stop नजर आ जाएगा। Please close the door. तो तीनों जुमलों के end में जो full stop लगा हो इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि यहाँ पे ये statement खत्म हो जाती है। इससे आगे next sentence या फिर next thought शुरू होती है। Full stops are essential part of writing as they help us create structure and coherence in sentences. अच्छा जी, when it comes to using full stop, there are a few basic rules to keep in mind. End of a sentence पे भी आप full stop use करते हैं। A full stop is used to indicate the end of a sentence. Place it at the end of declarative or an imperative sentence. For example, declarative sentence की या फिर statement की example है। I love going to the beach. तो इसके एंड पे भी फुल स्टॉप है। सिमिलरली इम्पेरेटिव जो है उसके एंड पे भी हमारे पास फुल स्टॉप आता है। प्लीज पास मी द सॉल्ट। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं या फिर इंट्रोगेटिव होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक्सक्लेमेटरी जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जाहिर करता है, तो उसके एंड पे आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं जो कि उल्टा आई होता है। सिमिलरली जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं उनके एंड पे आपका सवालिया निशान आ जाता है जो कि क्वेश्चन मार्क जिसको हम कहते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ फुल स्टॉप विद अदर लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन में भी आप जो है डॉट या फिर पीरियड को यूज करते हैं। जाहिर है जो जहाँ पे अकेला नुक्ता लगा हुआ है वो आया कि फुल स्टॉप है किसी जुमले को एंड कर रहा है या फिर वो एब्रीविएशन वगैरह के हवाले से या उसके जो दूसरे यूजेज हैं उनके हवाले से वहाँ पे लगाया गया है। फुल स्टॉप्स आर कॉमनली यूज्ड इन एब्रीविएशंस टू इंडिकेट मिसिंग लेटर्स। फॉर एग्जांपल एटसेट्रा जो है उसको आप इस तरह से लिखते हैं ईटीसी डॉट, तो इसका मतलब होता है एटसेट्रा। इसके एंड पे प्लीज नोट की यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। सिमिलरली मिस्टर जो है एम आर डॉट लिखा होता है, एम आर के अकेला नहीं लिखा होता, तो मिस्टर जो है एम आर जो है दैट इज फॉर मिस्टर। अवॉइड डबल फुल स्टॉप्स। अब एक ही जुमले में आप डबल फुल स्टॉप यूज करें तो वो रिडंडेंट हो जाता है और वो एक गलती होती है। अनलेस एंड अंटिल नई थॉट शुरू हो रही है तो नया जुमला होगा जिसका पहला लेटर फिर आपको दोबारा कैपिटलाइज करना पड़ेगा। It is unnecessary and incorrect to use multiple full stops in a row. आगे आते हैं जी थर्ड पे, we have colon. Colon जो है वो दो बेसिकली डॉट्स ऊपर नीचे जो रेशियो का साइन होता है फॉर एग्जाम्पल उस तरह का होता है, और इसके बाद हमारे पास सेमी कॉलन भी आ जाएगा। तो दोनों के यूजेज हम डिस्कस करते हैं जी। जस्ट लाइक अ फुल स्टॉप अ कॉलन आल्सो हैज स्पेसिफिक रूल्स फॉर इट्स यूजेज। तो पहले हमने फुल स्टॉप के भी रूल्स देखे हैं, तो कॉलन के भी कुछ रूल्स हैं किस तरह से इसको कॉलन को यूज किया जाता है। Here are some common rules for using colons. Introducing a list. तो अगर आपने कोई list introduce करवानी है, like आपके जुमले के अंदर कोई list है, कोई number of items है, वो आपने उसमें introduce करवाना है, तो उसके लिए आप colon use करते हैं। ठीक है जी, you can use colon to introduce a list or series of items. तो list या series of items one and the same thing. For example, there are three things I love: chocolate, travel, and reading. Introducing explanation or clarification. Colon can be used to introduce an explanation or clarification related to preceding statement. तो अगर आपने preceding statement यानी कि जो पहले आने वाली statement है उसके बारे में कोई clarification या explanation देनी है कि पहले आपने कोई एक certain जुमला लिखा है उसको अगले part of sentence में आप explain करना है, तो दरमियान में आप उसको colon लगा के explain कर सकते हैं। इसकी example आगे देखते हैं आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द आंसर इज सिंपल, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। ठीक है जी, तो द आंसर इज सिंपल एक तो जुमला ये था, लेकिन इसको अगर आपने एक्सप्लेन करना है या मजीद इसको बढ़ाना है या इसको इलेबोरेट करना है तो फिर दरमियान में आप कॉलन लगा के इसको इलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है आंसर। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। नंबर थ्री, सेपरेटिंग टाइम। तो जो आपको टाइम गिवन होता है अक्सर जगह पे टाइम लिखा होता है 9:30, 5:30, 4:20 वगैरह वगैरह, तो उसके दरमियान में भी कॉलन यूज हुआ होता है। कॉलन आर कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट आवर्स फ्रॉम मिनट्स इन टाइम एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल द मीटिंग विल स्टार्ट एट 9:30 AM।
ठीक है जी। नंबर फोर, टाइटल सब हेडिंग। तो टाइटल जो है किसी भी किताब का, उसकी सब हेडिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आप कॉलन यूज करते हैं। आप अक्सर बुक्स के पढ़े होंगे टाइटल्स जो काफी लंबे होते हैं, ठीक है जी। हम और उसका एक मेन टाइटल होता है जो कि हर किसी को ही आता होता है, एक उसका सब टाइटल या सब हेडिंग टाइप होती है, वो उसके कॉलन के बाद लिखी जाती है। वो बेसिकली उसको एक्सप्लेन ही कर रही होती है या थोड़ा बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रही होती है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक यूजेज है कि टाइटल के अंदर भी सब हेडिंग अगर आपने इंट्रोड्यूस करवानी है तो उसको आप कॉलन लगा के इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो फॉर इंस्टेंस, हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। अब ये बुक का नाम असल में तो यहीं पे होना चाहिए था, लेकिन उसकी सब हेडिंग है कि भाई इसकी कौन सी सीरीज है या कौन सा पार्ट है इसका, तो वो आप कॉलन के बाद लिखते हैं, द बिगिनिंग ऑफ एन एपिक एडवेंचर, ठीक है जी। नंबर फोर, सेमी कॉलन पे हम आ चुके हैं, कॉलन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कनेक्टिंग रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो अगर आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उन जो कि रिलेटेड हैं, आप उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना हो तो उसके लिए भी आप सेमी कॉलन यूज करते हैं। सेमी कॉलन जो है आपको पता है कि जो एक तो सिंपल सेंटेंस होते हैं, दूसरे कंपाउंड होते हैं और तीसरे कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जो कंपाउंड होते हैं उसमें आपको पता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज या दो प्रिंसिपल क्लॉजेज जो है वो एक ही सेंटेंस में आपको मिलती हैं। अगर आपने उसको सिंपल एक सेंटेंस में लिखना है दैट इज ऑल्सो फाइन, अगर आपने उसके अंदर ब्रेक देनी है तो आप दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए दरम्यान में सेमी कॉलन भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज अ सेमी कॉलन टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड बट नॉट जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन। तो अगर तो वो कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हो तो फिर दैट इज फाइन, लेकिन अगर आपने उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ज्वाइन नहीं करना तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उनके दरमियान एक सेमी कॉलन लगा के सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स टू डांस, ही प्रेफर्स टू सिंग। यूजेज नंबर टू, सेपरेटिंग आइटम्स इन अ लिस्ट। अगर आपके पास एक लिस्ट है या नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो उन आइटम्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए आप सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं। इफ द आइटम्स इन अ लिस्ट कंटेन कॉमास, यू कैन यूज सेमी कॉलन टू सेपरेट द आइटम्स। तो अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है और वो भी उनके आपस में दरमियान में कॉमास लगा के ऑलरेडी सेपरेट किया हुआ है, तो नंबर ऑफ आइटम्स को ओवरऑल दूसरे ग्रुप से या दूसरे क्या उसको कहते हैं योनरा से सेपरेट करने के लिए आप सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं। इट हैज टू क्लैरिफाई द सेपरेशन बिटवीन द आइटम्स। एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू बाई फ्रूट्स एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानास। अब एक तो सिलेक्शन आपके पास ये होगी या एक ग्रुप आपके पास ये हो गया, मैंने क्या बाय करना था, फ्रूट्स जो के हैं एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानास। फिर मैंने वेजिटेबल्स भी बाय करनी है जी, और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन किसके साथ है, कॉलन के साथ। एंड ब्रोकली, कैरेट्स एंड स्पिनच, ये तीन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल हैं जो के कॉमास के साथ सेपरेटेड है, और इसको अगले ग्रुप ऑफ वर्ड से या अगले ग्रुप ऑफ आइटम्स से आपने सेपरेट करने के लिए क्या यूज कर दिया, दोबारा से सेमी कॉलन। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, मिल्क, चीज एंड योगर्ट, और एंड पे फुल स्टॉप आ गए। तो आप देख सकते हैं दो तीन टाइप्स ऑफ आइटम्स थी, वो दे फर्दर हैड एक टाइप के अंदर तीन तीन चार आइटम्स स्पेसिफाइड थी और वो एक दूसरे के साथ कॉमा से सेपरेटेड थी। तो उन आइटम्स को अगले ग्रुप से सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज किया है जी, सेमी कॉलन। क्लैरिफाइंग कॉम्प्लेक्स लिस्ट। तो अगर आपके पास एक लिस्ट है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है या बड़ी है, तो उसको भी क्लियर करने के लिए, ताकि कहाँ कहाँ पे पॉजेस हैं, कौन सी चीज किसके साथ है, कौन सी चीज किस चीज को आपने किसके साथ पढ़ना है, किससे रिलेट करना है, उसके लिए भी आप सेमी कॉलन यूज करते हैं। In complex lists where items contain commas, you can use semicolons to separate the main parts of the list. For example, our travel itinerary includes Paris, France. मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मेरी जो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन है या जो जहाँ मैं जाना चाह जा रहा हूँ उनमें क्या क्या शामिल है। एक है जी पेरिस फ्रांस, जो कि फ्रांस का कैपिटल है, रोम इटली, लंदन इंग्लैंड, एंड बार्सिलोना स्पेन। तो आप देख सकते हैं कि दरमियान में सेमी कोलन से हमने मेन आइटम्स जो है उनको सेपरेट किया हुआ है। एक सिटी नेम है और एक उसका कंट्री नेम है, जिस कंट्री का वो सिटी है वो हमने बाद में लिखा हुआ है, और उनको दूसरे कंट्रीज या दूसरे सिटी से सेपरेट करने के लिए ग्रुप्स की फॉर्म में हमने लिखने के लिए दरमियान में क्या लगा दिया है, सेमी कोलन। चलें जी,
यहाँ तक हो गया। आई होप कि आपको अभी तक सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसकी पंक्चुएशन आपने करनी है, और करेक्ट पंक्चुएशन के साथ आप कमेंट्स में पूरा का पूरा जवाब लिखेंगे। मैं आपको पॉज द वीडियो के लिए कहूँगा, और उधर आपने अपनी वीडियो को पॉज करके तो सारी की सारी पंक्चुएशन करके कमेंट में लिख देनी है, देन यू कैन गो ऑन टू द आंसर एंड सी के आंसर्स क्या है। जी, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एनी पंक्चुएशन एरर्स, कंसीडर द यूज ऑफ कॉमास, पीरियड्स, कॉलन, सेमी कॉलन एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो ये है जी आपके लिए पैराग्राफ। इस यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लें और ये पूरा का पूरा जुमला करेक्टली पंक्चुएट करके नीचे कमेंट्स में लिख दें। सो आई होप कि आपने सारा जुमला कर लिया होगा पंक्चुएट और कमेंट में लिख भी दिया होगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो माय फ्रेंड जेक वेंट टू द स्टोर। जेक का जे कैपिटल है क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। ही बॉट मिल्क, ब्रेड एंड एग्स। आई आस्क्ड हिम टू पिक सम फ्रूट, हाउएवर ही फॉरगॉट द फ्रूट। ही सेड आई एम सॉरी एंड प्रॉमिस टू गेट इट नेक्स्ट टाइम एंड वील सी इफ ही रिमेम्बर्स। वील सी इफ ही रिमेम्बर्स, फुल स्टॉप के बाद। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये नीचे दी गई है कि जनाब जेक के बाद जो है ना कॉमा जो था उसको हमने रिप्लेस कर दिया था या रिमूव कर दिया था। इसी तरह जहाँ जहाँ पे डॉट्स या पीरियड्स या फुल स्टॉप की जरूरत थी वो भी हमने लगाए हैं बेटर क्लैरिटी के लिए। कॉमास ऐड किए हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स को सेपरेट करने के लिए। कॉमास का यूज बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट वन था पंक्चुएशन का। पार्ट टू में हम कॉमास और मजीद जो पंक्चुएशन के साइंस हैं उनको भी अच्छी तरह अच्छे तरीके से एलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। अच्छा, चेंज द कॉमा आफ्टर फ्रूट टू अ सेमी कॉलन टू कनेक्ट क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेमी कॉलन लगाया गया है। एडिट द कॉमा आफ्टर आई एम सॉरी टू सेट ऑफ द डायरेक्शन कोटेशन, डायरेक्ट कोटेशन, डायरेक्ट स्पीच बेसिकली। एंड द पैसेज विद अ पीरियड फॉर प्रॉपर पंक्चुएशन। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। काफी मेहनत लगती है ये लेक्चर्स बनाने में भी और वीडियोस बनाने में भी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं और आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट अदर पीपल मे ऑल्सो नो दैट वी आर डिलीवरिंग फ्री लेक्चर्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कंपेटिटिव एग्जाम्स। मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।